अर्चना जी, हमारी जिंदगी में जोड़ियों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो चाहे फिर मियां बीबी की जोड़ी हो या जूते चप्पल की जोड़ी हो, अगर मियां बीबी की जोड़ी सूट कर गई तो जूते चप्पल पहन के सारी उम्र निकाल देते हैं, और अगर जोड़ी सूट नहीं की तो पैर की चप्पल कब हाथ में आती पता नहीं चलता। अच्छा, कई जगहों पे ना ऐसा होता है, जब शादी होती है ना तो दुल्हन की माँ उसको गोंद का लड्डू खिला के भेजती है। गोंद के लड्डू में पता नहीं क्या होता है, वो दुल्हन दूल्हे से चिपकी रहती है, वो तब तक चिपकी रहती है जब तक उसकी गोंद में लड्डू नहीं आ जाता। और वो जमाने गए अर्चना जी, अब जब वो लड़कियां विदाई पे रोती थी ना, वो मेकअप खराब हो जाता था, आजकल तो पर्सनल फोन करके बोल देती, पापा मैं फोन करके अलग से रो लूंगी, यहाँ पे मेरे को सेल्फी लेने दो। और सेल्फी लेते वक्त ऐसा पाउट करती हैं, कभी कभी तो इतना होठ बाहर निकाल लेती हैं, लगता है इसी होठ से फोटो क्लिक करेंगी। अच्छा, शादीशुदा जोड़े जो होते ना हनीमून से लौट के आए ना जब भी, तो आप देखना एयरपोर्ट पे आके फिर सेल्फी ले रहे होते हैं। हनीमून पे पता नहीं कौन सी ऐसी चीज रह गई इनकी जो यहाँ पे आके फिर फोटो ले रहे होते हैं। अच्छा, पीछे लगेज बेल्ट पे सूटकेस 5 बार निकल जाता है घूम के, वो देख रहा होता है मेरे को किसी ने उठाया नहीं। फिर जब 5 साल निकल जाते हैं तब आदमी सेल्फी नहीं लेते, औरतें फिर भी बेचारी अकेली ले रही होती हैं। आदमी जाके सूटकेस, मेरे वाला लाल नहीं आया, वो अपने सूटकेस ढूंढ रहा होता है। 10 साल बाद तो और काम खराब होता है। अच्छा। बीवी आती, फिर बेचारी वो अपनी सेल्फी ले रही होती है, और पति 2-4 सूटकेस रख के उस पे 2 बच्चे बिठा के ट्रॉली लेके ऐसे चल रहा होता है, कहाँ रह गई। कभी एयरपोर्ट की ट्रॉली देखना, वो बड़ी अजीब होती है, ऐ मौके पे ट्विस्ट देती, सीधी चलती 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 ऐसे हो जाती है, उस पे वजन डाल के ना ऐसे करके उसको सीधा करना पड़ता है। तो वो आदमी देखता बीवी कोई हेल्प ही नहीं करा रही, वो फिर फोटो ले रही है, वो फिर गुस्सा नहीं करता। अच्छा। उसको पता पहले 2 बार गुस्सा किया था, वो दोनों गुस्से के रिजल्ट में सूटकेस पे बिठा के जा रहा हूं, वो फिर नहीं गुस्सा करता। जोड़ी कितनी पुरानी है ये बातों से पता चलता है। अच्छा, हाँ। अगर तो कपल एक दूसरे को ऐसे बुला रहा है, बेबी शोना जानू, समझो ये नया नया मामला है, 5-7 महीने से ज्यादा नहीं है। अगर बोले जी सुनते हो, समझ जाओ 5-7 साल। अगर ये बोले सुबह से मैं कुत्ते की तरह भौंक रही हूँ तुम्हारे कानों में, तब पता चलता है कि 25 साल हो गए हैं। और 25-50 साल बाद एक टाइम तो ऐसा आता, बातचीत ही बंद हो जाती है। आदमी हो गया 50 साल शादी को मान लो हो गए, तो 30 साल की उम्र में शादी की होगी, 80 साल का आदमी, 80 की औरत हो गई, दोनों मिला के 160 के हो गए हैं। अब औरत भी बेचारी बुजुर्ग हो गई, अपने पोतों के साथ अंदर खेल दी, बुढ़ा बाहर चारपाई पे बैठा हुआ है, इशारों में बातें होती हैं। फिर आप कभी देखना आदमी जब बुढ़ा होता है ना, उसका मुंह ऐसे हिलता है, औरत का ऐसे हिलता है, इशारों में बातें हो रही होती, वो बुला रही होती आजा। वो सारी उम्र की खुन्नस लेके बैठा होता है, तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अगले जन्म में नहीं, वो भी बोल रही होती, मिलूंगी तो मैं ही। अब गोरे लोग देख लो, उनकी ज्यादा लड़ाइयां नहीं होती, क्योंकि वो हनीमून मनाने जाते हैं, मना के अगले दिन अपनी अपनी किताब पढ़ रहे होते हैं बीच पे बैठे। हमारे झगड़े ही बातों को लेकर होते हैं, तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते, जब भी आती मुंह सुझा के बैठ जाते हो, ऑफिस में तो बड़ा के के खीखी खोखो हाई फाइव ये सब करते हो, यहाँ पे क्या मौत पड़ती है तुम्हें। हमारे लोग जाते हैं तरसी हुई नजरों से, अपने बीवी बच्चों को छोड़ जाते हैं, रेत के घर बनाओ बेटा रेत के, हाँ फिर जाके वो जिनकी किताबें खुली होती उनकी किताबें देख रहे होते हैं। और इंडियन लोग टैलेंटेड बड़े होते हैं, एक तो दूसरे की बीवी ताड़ रहे होते हैं, साथ में ये भी देख रहे कि हमारी बीवी उनकी बीवी को देखते हुए हमें तो नहीं देख रही, बड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है इंडियन आदमी को। कई तो इतने सड़ू होते, छोटी छोटी बातों में लड़ते रहते, मियां बीवी कहां से आ गई मेरी जिंदगी में, तुम कहां से आ गए सड़ू मेरी जिंदगी में, सड़ू शादी से पहले जितेंद्र लगता था मैं तुम्हें, तुम्हें भी मैं जयप्रदा लगती थी, मेरी आंखों पे पर्दा पड़ा था, मेरी भी अकल घास चढ़ने गई थी, अब तो आ गई ना, अब छोड़ दो। छोड़ तो मैं कब की जाती, ये बच्चों के लिए रुकी हुई हूँ, तू रुकी तभी बच्चे हुए हैं, और अगर मैं रुक जाती तुम अपने आप को रोक लेते तो ये सब नहीं होता। अच्छा, इतनी लड़ाई के बाद फिर कभी कभी काम जाना पड़ता है बाहर गाड़ी लेके ना, मियां बीवी बाहर किसी को थोड़ी ना पता है इनका झगड़ा चल रहा है, तो रास्ते में सिग्नल पे रोकते ना कोई भिखारी आता है, जोड़ी 5, आदमी 5 रुपए निकाल भी देता है, तो 5 का नोट देखते भिखारी देता है, जोड़ी सलामत रखे, वो 5 का नोट तो वापिस खींचता ही है, भिखारी का हाथ कांच में होता है ना गाड़ी में, शीशा चढ़ा लेता है वो, 1/2 किलोमीटर भिखारी को ऐसे भगाता है वो। अच्छा, शादियों में देखना आप, सारी दुनिया दूल्हा दूल्हे को आशीर्वाद देने में लगी होती है, जो दूल्हे के दोस्त होते हैं ना जैसे दिनेश टाइप, ये दुल्हन की सहेलियों को इंप्रेस करने में लगे होते हैं, उसके लिए वुड यू लाइक टू हैव सम कोल्ड ड्रिंक, आपकी खुद की माँ बेचारी पुलाव खा रही दही मांग रही कब से, उसको नहीं ला के देते।
शादियों में जो फूफियां होती ना बूढ़ी वो ताड़ रही होती हैं सब, उनको सब पता आता है क्योंकि उनको भी कभी ना किसी ने कोल्ड ड्रिंक ऑफर की होगी ना जो वो नहीं पी पाई, बाद में मिल गया खांसी की दवा जैसा फूफा उनको, तो वो चिड़ी होती है तो वो किसी का काम भी नहीं बनने देती है, वो ताड़ती रहती कि अच्छा ये उस पे लाइन मार रहा है, फिर जब ग्रुप फोटो होने लगती है ना तब बुलाती हूँ उस लड़के को, आजा आजा तू तो नीलू के भाई है सही, आजा 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 फोटो में। नीलू फिर गुस्से में ना बुढ़िया की साड़ी पे दाल गिरा के जाती है। मोहल्ले में कुछ ताड़ू लड़के होते हैं जो अपने मन में सेटिंग करके रखी होती है उन्होंने, लड़कियां आ रही ना साथ में लोग बोलते हैं भाभी आ रही है पीली वाली, वो दूसरे को बोल रहा है नीली वाली तेरी है, इनको लड़कियों के नाम भी नहीं पता होते, इनको तब पता चलता है जब उन लड़कियों के शादी के कार्ड इनके घर में आते हैं। फिर जब ये दूल्हे का स्वागत होता ना तो कई कई बार दूल्हे की आंख पे फूल नहीं लगता जोर से फ्रक करके, वो यही लड़के मारते हैं। कई तो प्लास्टिक के मंगवा के ना गुलेल से मारते हैं, सारी उम्र हम देखते रहे तू लेके जा रहा है। अच्छा फिल्मों में देखना, फिल्मों में तो जोड़ियां बातों बातों में बन जाती है, आपने कभी नोटिस किया होगा अर्चना जी, कभी सीन शुरू होता है ना लाफ्टर शुरू होता है, राय साहब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो। गुप्ता जी आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, अगर आपके घर का गुलाब हमारे घर में आता है तो हमें क्या, ए सुधा की माँ समधी जी का मुंह मीठा कराओ। सुधा की माँ तो मिठाई लाती नहीं, उससे पहले लड़का मुंह मीठा कर चुका होता है। अच्छा एक लड़का लड़की की जोड़ी वो होती है जो स्कूटी पे बैठ के आती है, लड़कियों का मुंह ढका होता है, सर भी ढका होता है, बाजू पूरे पहने होते हैं, सिर्फ आंखें दिख रही होती हैं, ये मास्क वास्क तो अब आए ना, ये वाली जो ब्रीड होती है ना ये शुरू से पीपी किट में रहती है ताकि पकड़े ना जाएं। फिर ये अपनी स्कूटी पार्क करके ना कहीं अपनी श्रद्धा अनुसार पार्क में या समंदर किनारे बैठ जाते हैं, लड़का अभी घूंघट भी नहीं उठाया होता, बातें भी नहीं की होती, चार बड़ी बड़ी बातें करते हैं लड़के, तुम्हारे लिए मैं दुनिया की ये चीज ले आऊंगा ये, फिर देखता ना जब उसकी स्कूटी को टो करके लेके जा रहा है उसी समय छोड़ के पीछे स्कूटी के भागता है। कई और शाणे होते हैं, उनको लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना, वो क्या करते हैं फिर स्कूटी कहीं पार्क नहीं करते, स्कूटी के ऊपर शुरू हो जाते हैं। स्कूटी लगा के ना स्टैंड पे, लड़का लड़की की तरफ मुंह कर लेता है, लड़की लड़के की तरफ बोलता है तेरे पीछे से पुलिस आएगी मैं बता दूंगा, मेरे पीछे से तो तू बता देना, पुलिस वाले शाणे होते हैं, उनका रोज का काम वो साइड से आते हैं। सीधा ही जब गर्दन पे थप्पड़ पड़ता है ना अर्चना जी करके सडनली क्रिएटिव हो जाते हैं, अंकल जी मैं चाचा की बेटी है, चाचा की बेटी है, नहीं चाचा की बेटी इधर क्या कर रहे थे, चाचा की बेटी है आंख में बाल गिर गया था निकाल रहा था, आंख में बाल गिरा था तो आंख से निकालो मुंह से क्यों निकाल रहे हो। अच्छा कुछ लोग तो इतने मनहूस होते ना उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता, किसी की शादी में चले जाएंगे दूल्हा दुल्हन को देख के किसी में नुक्स निकालना शुरू कर देंगे, दूल्हा मुंह देख लो इसका बात नहीं बनी, हो सकता है सब आपका अच्छा हो, कुछ तो देखा ही होगा इन्होंने, इनको किसी के कॉम्बिनेशन में मजा नहीं आता, ये लोग सब्जियों का कॉम्बिनेशन खराब कर देते हैं, मटर पनीर की सब्जी बनी है तो सारा पनीर पनीर निकाल लेते हैं, सिर्फ मटर रहने देते हैं, लास्ट पनीर का टुकड़ा तक नहीं छोड़ते, कई तो कड़छी लेके ना आप देखना कभी कभी आप घुमाओ ना आपको पता ही है इनकी कड़छी ना पनीर का पीछा कर रही होती है और पनीर फिसलता फिसलता आगे जाता है, तो ये भी जाने नहीं देते, कभी कभार ना ये पलटी मारते हैं यहाँ से पकड़ लेते हैं, फिर जो पीछे खड़ा देख रहा था ना उसको दिख गया कि लास्ट पनीर का टुकड़ा था ये भी गया, वो फिर शगुन वाला लिफाफा निकालता है जो 100-100 के 5 डाले थे ना उसने, उसमें से 300 पनीर के निकाल लेता है, वो जेब में डाल के 200 वापस फिर जेब में डाल लेता है, ये बड़ा होता है शादियों में। अच्छा शादी में कोई बंदा खाना खा रहा हो ऊपर से कैमरा वाला आ जाए ऐसे लगता है नारकोटिक्स वालों की रेड पड़ गई है, फिर जिस बंदे ने 4 गुलाब जामुन डाले होते हैं ना अपनी प्लेट में ऊपर नान से ढक देता है उसको, गुलाब जामुन होते हैं गोल, वो गोल गोल घूम के बाहर आ जाते हैं, एक बार अर्चना जी के साथ हुआ था। अच्छा क्या? इन्होंने डाले भी 18 थे, वो नान से छुपे ना, इन्होंने फिर आइडिया क्रिएटिव, इन्होंने नान उस पे नहीं डाला, इन्होंने नान मुंह पे डाल लिया और फिर 2 उंगलियां मार के आंखों में से छेद निकाल लिया और यहां से काट लिया, अब बनाओ मेरी मूवी। अच्छा कुछ लोग शॉपिंग करते वक्त अंडरवेयर की जोड़ी बनाने में लगे रहते हैं, एक डिब्बा लो ना उसमें 4 आते हैं, नीला वाला निकाल दो इसमें पीला डाल दो, पीला रहने दो लाल निकाल दो, ये वो लोग होते हैं जिनकी खुद की जोड़ी नहीं सारी उम्र सही बनी बीवी के साथ, कच्चे में जोड़ी बनाने में लगे हुए बताओ। लेकिन कुछ कपड़ों की जोड़ियां जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ ही अच्छी लगती हैं, जैसे टाइट जीन्स पहनी है ना तो इसके साथ वो वी शेप वाला अच्छा लगता है,
है ना, आप बड़ा वाला कच्छा नहीं पहन सकता क्योंकि वो खुले विचारों वाला होता है, वो धोती के साथ ही खुश रहता है या पजामे के साथ, क्योंकि अगर आपने टाइट जींस के अंदर वो वाला कच्छा पहन लिया तो ना फिर वेव्स बन जाती हैं ये वाली यहाँ पे, सडनली आप देखना टांगे पतली होती, यहाँ से आदमी मोटा हो जाता है। और ऐसे गलत कॉम्बिनेशन करके आते ना लोग कई बार पार्टी वार्टी में, तो फिर सारी पार्टी में यूं ही करते रहते हैं वो। और सुनाइए, बस हम तो देहरादून से निकले थे 4 बजे और दिल्ली आके हम रुके बस। अर्चना जी हमारे गेस्ट आ रहे हैं, मैं थोड़ा अपने आप को सैनिटाइज करके आ जाऊं। मैं भी। सी यू। अर्चना जी आज एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ी आने वाली है यहाँ पर, ये दोनों ही एक्टर्स हैं और दोनों ही बड़े प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, दिल से भी खूबसूरत हैं और दोनों मेरे फेवरेट भी हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम मिस्टर रितेश देशमुख और उनकी ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर जेनेलिया डिसूजा। कपिल हम जब भी आए पहले तो हमारी फिल्मों के गाने बजे, ये अलग गाना है पर्वतों से मतलब भाई आज ऊंट पहाड़ के नीचे आज ही आया, हमेशा आते हैं ये दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ। आज इसलिए आपने जेनेलिया डिसूजा बोला ना, जेनेलिया देशमुख ने। हाँ मतलब मैं देखिए मैं आपको तब से ही जानता हूँ ना, एक्चुअली रितेश भाई से पहले हम लोगों ने एक फिल्म की थी जो मेरी वजह से आ नहीं पाई बाद में, पर रितेश भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू, मतलब हमने एक बार इनको कहा कि भाई आप कभी जेनेलिया के साथ भी आओ, हमने एक बार कहा और ये 8 साल में मान गए। सच्ची में ये आपको घर पे जाके बताते भी थे कि हमने इनको बोला है? All the time, इस बार। तो फिर आपका क्या कहना था कि नहीं जाना मुझे? नहीं, वैसे नहीं है। नहीं, मैं हमेशा पूछता था जिन्हें के यू नो कपिल ने बुलाया है, इसे मैं शो बहुत देखती हूँ, आप लोग मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाओगे, मुझे नहीं आना है, मैं यहाँ पर बैठ के हंस लूंगी शो पर, इसके बजाय कि वहां पर बैठकर आप मुझ पर हंसो। इतना प्यारा कपिल है ना, दिल से दुआएं निकलती आप दोनों के लिए। आइए भाई, बहुत स्वागत, आइए जेनेलिया प्लीज। वैसे अर्चना जी देखो कितनी खूबसूरत जोड़ी है ना, ये ऐसे नहीं बोलते कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। रितेश जेनेलिया नाम से भी कितनी खूबसूरत है। ये तो मेरी बेटी और ये मेरा दामाद है ना। बिल्कुल, बेटी और दामाद की थी हम लोगों ने मस्ती में। हाँ। जी मस्ती में कर ली थी बहुत मस्ती भी की थी। पर एक्चुअली मतलब मैं ये बोलता हूँ कि एक तो दोनों एक साथ इतने प्यारे दिखते हैं और नाम भी कितना खूबसूरत है, रितेश जेनेलिया। हालांकि अर्चना जी और परमेश्वर की जोड़ी बड़ी कमाल की है जी। लेकिन जब इनके शादी के कार्ड छपे ना तो ऐसा लगा कि परमीत सेठी वेड्स अर्चना पूरन सिंह, लोगों को लगा कुश्ती का महामुकाबला होने जा रहा है। तो कई मेहमान तो कंफ्यूज हो गए, पता कहते दोनों में से लड़की कौन है। जेनेलिया आप पहली बार आई हैं हमारे शो पे, अदरवाइज आपकी बात हमेशा होती रहती है जब रितेश भाई आते हैं, तो इन्होंने तो बड़ी कहानियां सुनाई हैं कि कैसे आप इनके पीछे पागल थी और ये सब, पर आज हम सुनना चाहते हैं कि आप पहली बार कहां मिले थे आप। रामोजी फिल्म सिटी पे हैदराबाद। अच्छा, yeah, we were both going for our first film, और तभी रितेश चीफ मिनिस्टर का बेटा था, सो आई थॉट कि उनके पास बहुत ज्यादा एटीट्यूड होगा एंड यू नो ही विल काइंड ऑफ be this you know really rich spoiled kid, so before he threw attitude I threw attitude. Airport pe main mila, mujhe pata nahi tha, aur kya main ek kahani aur hai, to mujhe kaha gaya ki abhi aap Hyderabad jao look test ke liye, matlab theek hai. Acha, to mujhe bola ki sir the heroine also on the flight. Acha, to main okay, main akela gaya baitha wahan par, दो तीन छोड़ के अभी मैं देख रहा हूँ कौन है वो लड़की को, मैंने देखी नहीं है हीरोइन को, तो एक खूबसूरत लड़की दिखी मुझे, बोला वाह ये हीरोइन है, नो प्रॉब्लम, तो बैठा और प्लेन लैंड हुई, हम लोग बाहर आए, वो लड़की मैंने ले प्लीज तो उससे हेलो किया, वो आगे चली गई और आगे जाते जाते वो लड़की निकल गई, मैं बाहर आया सर हेलो ऐसे हेलो सर हाउ यू सर हीरोइन मदर, तो माँ से हेलो, और ये हीरोइन ये तो दूसरी लड़की है। ये तो लड़की नहीं है तो दूसरी है, मैं ओ हेलो, तो इन्होंने हाय
ये पहली मुलाकात है। फिर आपने सोच लिया था कि अब तो मैं पीछे पड़ जाऊंगा? नहीं, ऐसा था नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगा कि बाद में दोस्ती हुई, फिर वो होता ना कि मिस ब्रिगेंजा, हाँ। प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी दोस्त नहीं हो सकती तो मैं उससे प्यार नहीं कर सकता, कुछ कुछ होता है। All those dialogues are also said. अच्छा रितेश भाई एक्टर तो है ही, लेकिन बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से भी हैं, इनके पापा सीएम रहे हैं, तो जब आपकी शादी हुई तो आपने फेरे लिए थे या इन्होंने शपथ दिलवाई थी कि मैं जेनेलिया डिसूजा ईश्वर की शपथ लेके कहती हूँ? नहीं नहीं, क्या फेरे लिए थे? क्या होता है ना कि जब आप शपथ लेते हो तो 5 साल की सरकार होती है, वो 5 साल में पांच साल में बदल जाती है, हालांकि उसके भी फायदे अलग है। लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरी अपना तो 7 जन्मों का रिश्ता है। सीख रहे हैं हम भी। अच्छा रितेश, ऑन स्क्रीन तो कमाल के एक्टर हैं ही, रियल लाइफ में इतने गुन्ने एक्टर हैं ये। गुन्ने? 10 साल तक इन्होंने जेनेलिया से डेट किया और दुनिया को कानो कान खबर नहीं होने दी। हाँ। आप दुनिया की नजरों से बचाना चाहते थे अपने प्यार को, कि आप कंफर्म करना चाहते थे पहले जेनेलिया कंफर्म कर दे शादी के लिए, भाई बेइज्जती ना हो जाए पहले कहीं अनाउंस कर दिया तो? क्या 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 किया? नहीं, आई वाज वेटिंग फॉर हिम टू कंफर्म। अच्छा जी, बट प्रॉपर्ली प्रपोज किया? नहीं नहीं नहीं, प्रपोजल तो आई डोंट थिंक कभी, ऐसा हुआ ही नहीं कि यू नो आई लव यू व्हाटएवर, इट वाज जस्ट एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। तो मस्ती के दौरान यू वर डेटिंग? या एक्चुअली वी स्टार्टेड, आई डिडंट नो, देखा रियली मुझे नहीं पता, ये हमारी को-एक्टर को पता नहीं था। तो हम लोग जो सेट पे आते थे ना, तो ये सेट पे मैं देखता भी नहीं था। हाँ, और बताओ क्या हो रहा है। अच्छा, और ये फिर बाद में यू डिडंट लुक एट मी, आई सेड सॉरी, ऐसा कुछ नहीं, नो नो इफेक्ट, you didn't look at me, didn't do it, nothing happened, Ritesh was busy on his own trip, but वाकई मालूम नहीं, मुझे लगता आज सारी पोल खुल गई। ये जो इसलिए मुझे घर पे ही रखा। तो अब तक जो आप सोच रहे थे कि ये नहीं आ रही थी, मैं इन्हें बोला तू घर पे बैठ कर। पर कितनी क्यूट है इनकी लव स्टोरी, एक अरसे की लव स्टोरी थी, इनको परमीत पसंद आए, इन्होंने हाथ मरोड़ा और सीधा फेरे। और उन्होंने फेरे भी ऐसे लिए। पर एक आपको पता है, ये तो बाद में हमें स्टोरीज पता चली ना कि जेनेलिया उस समय 16 साल की थी जब इनकी डेटिंग वेटिंग शुरू हो गई थी। अच्छा, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना, भाई साहब ने घुमाना शुरू कर दिया। तो कभी आपका चालान नहीं कटा? कभी आप पकड़े गए हो, घर वालों ने देख लिया बेटा घर से तो शूटिंग बोल के गए थे, यहाँ कहाँ घूम रहे हो? उतनी खबरदारी मैंने रखी थी। अच्छा, कि छुप छुपा कर मैं माता पिता का शेड्यूल देता कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं दूसरे डायरेक्शन में। तो फिर जब आपने अपने अपने पेरेंट्स को बताया तो फिर इजीली सब हो गया कि हाँ ठीक है, कि फिल्मी ड्रामा कुछ हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा फिल्मी ड्रामा था नहीं। क्या था कि मुझे लगा कि जो 10 साल हम लोगों ने एक साथ बिताए उसकी भी एक ब्यूटी थी, एंड वी एंजॉयड आवर कंपनी टुगेदर। हालांकि जब हम लोग शादी के बाद हनीमून के लिए गए या शादी, दैट्स द फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड लिविंग टुगेदर। हालांकि यू नो आजकल क्या होता है कि व्हेन कपल आर डेटिंग, एक लिविंग रिलेशनशिप होती है, एक साथ रहते हैं, तो हमारे लिए वो एक अलग एक्सपीरियंस था कि यू नो वी स्टार्टेड ऑब्वियसली शादी के बाद लिविंग टुगेदर, बट यू नो हाउ। पर नहीं, बिल्कुल सही कहा रितेश ने कि आजकल होता है ऐसा कि बोलते हैं कि हमें एक दूसरे को समझना है, साथ में रहते हैं, और फिर जब साथ में रहते हैं एक दूसरे को जब समझ जाते हैं फिर अलग हो जाते हैं कि हम तो समझ गए भाई। अच्छा, आजकल भाई जो चल रहा है कोविड का जो भी पीरियड चल रहा है अभी, क्योंकि आजकल ज्यादा लोग आप इनवाइट नहीं कर सकते, देखो यहाँ पे भी ऑडियंस नहीं है, शादी में भी 40 से ज्यादा लोग गवर्नमेंट बोलती ना ही आए, लेकिन आपकी फैमिली इतनी बड़ी फैमिली है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनके पापा चीफ मिनिस्टर थे, तो जिन जिन्होंने वोट दिया होगा वो तो हक ही मान के बैठे होंगे कि हमारे बेटे की शादी हम भी जाएंगे। टोटल कितनी प्लेट लगी थी शादी में खाने की? मैं वो अब तक धो रहा हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं। जेनेलिया रितेश एज एन एक्टर तो फनी है ही, रियल लाइफ में और भी फनी है, मतलब हमसे मिलते हैं जब भी, तो एज ए हस्बैंड ये सीरियस है या बहुत ज्यादा सीरियस? सीरियस तो है, फनी इज ओनली फॉर सेट्स। घर पे बिल्कुल ऐसे हैं, मतलब सीरियस? नो नो नो, ही हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर,
we never fight because he doesn't want to fight. So if क्या बात है? Yeah. So lucky you are, Genelia. Yeah, absolutely. That is lovely. Like, so we'll only fight if I am interested in fighting. But politician भी है ना, सबसे बना के रखते हैं. Yeah. Sometimes मुझे गुस्सा आता है तो ऐसे what I cannot be so politically correct. He's like okay. कभी-कभी क्या होता है कि एक झगड़ा हो जाता है या आप you know she's upset about something. So she will say कि ऐसा 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 तो मैं सुन लेता हूँ अच्छा अच्छा ओके okay. तो आपको जो कहना आप कह लो because no then he goes to sleep then he gets up the next day hi how are you I said what we are fighting is it really नहीं अबे क्या झगड़ा करके क्या फायदा है मुझे लगता है कि argument हो गया मैं समझ गया hi good morning it's a new day अभी हो गया सर बात क्या बात है नया दिन है नई शुरुआत करते हैं तो फिर सॉरी वॉरी बोलने का चक्कर ही नहीं होता होगा आम शादियों में ये प्रॉब्लम है तुमने मुझे सॉरी नहीं बोला मैंने तुम्हें सॉरी बोला मैं तो सॉरी 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 मतलब मैं तो सॉरी एक्सपर्ट हूँ मेरा नाम तो रितेश देशमुख की जगह सॉरी देशमुख होना चाहिए यार जेनेलिया मुझे बताना ये राज कि कैसे तुमने अपने हस्बैंड को ऐसा रखा है कि वो ही सॉरी बोले पर आपका तरीका सही है सीधा गर्दन से पकड़ो वो एक तरीका मुझे इख्तियार करना पड़ता है पर मैं सॉरी नहीं बोलता मत मिलो मेरी गर्दन अब तक ठीक है हमारे ना एक अंकल हैं वो हमेशा एक बात कहते कहते शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया ना अगर मुमताज के रहते बनाया होता ना तो कुछ ना कुछ बोल देते कि बेबी थोड़ा वाइट वाइट ज्यादा नहीं हो गया ऐसा बोलते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि बीवियां जो होती थोड़ी कमी निकाल ही देती हैं जैसे रितेश भाई हमें तो इनमें कोई कमी नहीं नजर आती बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है कोई एक आदत ऐसी हो जो आप चाहते हैं कि अच्छा रितेश की ये बदलनी चाहिए हाय राम अगर कोई मुझसे ये सवाल पूछे मैं तो लिस्ट बता दूं मैं जानता हूं मुझमें क्या बदलना चाहिए कि मैनेजमेंट ऑफ टाइम और प्रायोरिटी कि कौन सी चीज को किस कदर नहीं नहीं कि मैं उनकी प्रायोरिटी बनूं ये तो बहुत बड़ी शिकायत है ये मैं क्या सुन रहा हूं नो आर्ग्यूमेंट एक मिनट ये मैं क्या सुन रहा हूं इसीलिए नहीं आने दे रहे थे 8 साल से भाई साहब नो 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 जस्ट किडिंग नो देयर इज नथिंग टू चेंज इन रितेश मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात ही पहले फिल्म से हुई 10 साल और उसके बाद अब 8 साल है मैं 18-19 साल हम इकट्ठा हैं वाओ तो ये जो पीरियड है मुझ में एक स्टेबिलिटी जो है वो इनकी वजह से है जब कोई पिक्चर नहीं चलती तो सबसे ज्यादा सपोर्ट इन्हीं से मिलता है ये जो सपोर्ट है ये बहुत जरूरी होता है और वो जिनला के वजह से मुझे मिलता है थैंक यू भाई ऐसा बोलते ना कि बीवी के सवाल और बच्चों के सवाल कभी खत्म नहीं होते आपसे ज्यादा कौन सवाल करता है जेनेलिया या बच्चे रितेश का रूल है कि सिर्फ 10 क्वेश्चंस अ डे मैंने उनको बोला आपको जो भी सवाल पूछना है ठीक है आपको मैं दिन में सिर्फ 10 सवाल दूंगा 10 सवाल आप पूछे उसके बाद कोटा खत्म अच्छा ओह माय गॉड बट माय चिल्ड्रन बच्चे बाप रे और बच्चे तो भाई कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं ना कि माँ बाप के पास कभी कभी जवाब ही नहीं होता यार ये क्या जवाब एक दिन मैं फोन पे देख रहा था और मेरी अपना सपना मनी मनी की एक तस्वीर आई तो उसने बाबा वाई लुकिंग लाइक आई तो अभी इसका जवाब क्या जैसे हमारे किकू भाई ना हमारे शो में जी तो उन्होंने एक फिल्म करी थी जो चली नहीं तो उनका बेटा आके बोलता है 14 साल का कहता पापा आपकी फिल्म वो खास वो चली नहीं ना कहता हाँ बेटा वो थोड़ी फ्लॉप कह सकते हो कहता पापा लेकिन अभी इसमें तो डिजास्टर दिखा रहा है सुपर पर बच्चे आपको अपनी औकात दिखा देते हैं है ना बच्चे हाँ, कि मतलब आप कितने पानी में हो वो साफ साफ बोल देते हैं बहुत दिनों तक तो मेरे बच्चों को पता ही नहीं था कि मैं फिल्मों में काम करता हूँ तो दे डिडंट नो के ये फिल्म क्या होती है एक्टर्स क्या होते हैं तो इनको पता ही नहीं है और फिर जब उनको पता चला कि अरे वीडियो तो उनको लगे कि तुम्हारे माँ बाप का वीडियो कहाँ पर है मतलब उनको लगता है कि सबके माँ बाप फर्स्ट इफ यू आस्क रियान रियान व्हाट इज योर फादर डूइंग आई डोंट नो डांसिंग तो पहली बार वो आए हाउसफुल वो हम लोग कर रहे थे बाला ओ बाला वो सेट गाना कर रहे थे तो ये आ गए देखने के लिए रियान तो मेरे पास बाबा यू टोल्ड मी यू आर गोइंग टू वर्क बोला हाँ पर तुम तो बैठ के नाच रहे हो तुम काम पे जा रहे हो तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है कि काम पे जाना अगर नाचना ही है तो why can't you dance at home बाहर जाके क्या नाच रहे हो तुम लॉजिक तो है उनकी बात हाँ तो मैं उसको बता रहा हूँ बेटा घर पे नाचूंगा तो पैसे नहीं मिलेंगे
थोड़ा और आगे ले लो, थोड़ा और आगे। क्या थोड़ा और? पहले ही थोड़ा और बोल के पंजाब से मुंबई ले आए मुझे। हाँ तो आगे ही तो लेकर आए हैं। ये लोग यहाँ पे कहते हैं आप मुंबई नहीं आ सकते, हम फिर भी तुझे बेटा मुंबई लाए हैं। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ तो मुझे उतरना है संभाल के। हाय जेनेलिया, हाय रितेश, कैसे हो? नमस्ते रितेश, नमस्ते जेनेलिया। पैसे पैसे दीजिए। अरे नमस्ते करने के किस बात के पैसे? सर नमस्ते के नहीं, रिक्शे के मांग रहा हूँ। आपको लेकर आए ना मुंबई में? एक तो हम तुझे यहाँ मुंबई लेकर आए हैं, ऊपर से हमसे पैसे मांग रहा है। मुझे आज भी याद है मेरी पहली लाइन क्या थी। क्या बात है? अब जब मैं पहली बार मुंबई आया था, तू कहाँ आया था? तू तो यहाँ पैदा हुआ था। अब मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे क्यों बता रहा है? मैं आया था तो मुझे पता ही होगा। अब आपने पूछा आपकी पहली लाइन क्या थी, मैंने बताई पहली लाइन। पहली लाइन पहले बतानी चाहिए थी, बीच में क्यों बोल रहा है अपने बाप के? मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मुंबई आया था तो मैंने पैसे नहीं काम मांगा था, काम। सर मैं भी अपने काम के ही पैसे मांग रहा हूँ। ये पैसे की दोस्त किसे दिखा रहा है? किसे दिखा रहा है पैसे की दोस्त? कितने पैसे हुए तेरे? एक मिनट, खबरदार जो मेरे बेटे से पैसे लिए तो बता कितने पैसे हुए। ए खबरदार अगर मेरे पापा से पैसे लिए तो। चलिए पापा हो गया, चल बेटा। क्या कमाल कर रहे हो आप लोग? ना इन्होंने पैसे दिए ना आपने पैसे दिए, मुझे पैसे कौन देगा? एक मिनट, ये तो जबरदस्ती कर रहा है। शादी के कार्ड का मैं क्या करूँगा? मेरे को डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वो दो ना। वो सब बैंक से मिलता है बेटा, वहाँ जाके ले ले। सर बैंक क्यों देगी? छोड़ा तो आप लोगों को। आ तो क्यों छोड़ा? बैंक से लोन लेके बैंक को छोड़ो, फिर देश छोड़ो, ऐसा करके बहुत लोग मालिया माल बन गए हैं। सर मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं चाहिए तो पीछे क्यों पड़े थे? मांग रहे थे बाबा, इरिटेट कर रहा है। ओ मेनू जीन दो भरावा। अरे जीन कहाँ से दे, हम खुद स्कर्ट पहन के घूम रहे हैं। हटो यहाँ से, अजीब आदमी है। जेनेलिया और रितेश, आपको हम दोनों की तरफ से नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। वाह बेटा, बेटा हमारा तारुफ करवाइए। रितेश भाई ये गरम सिंह है और ये फनी देओल है, ये बस खाने के बाद टहलने आ जाते हैं यहाँ पे। वाह, ये जो आपने हमारा जानकारी मुहैया करवाई है इनके साथ में, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त करता हूँ कि कपिल शर्मा को ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया जाए। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। कुछ ठंड बड़ी लगती है यहाँ। ठंड लगती है बहुत, गुड़ों में ठंड हो जाती है। और बेटा सब ठीक? बिल्कुल ठीक है। चांगला है काय, लॉकडाऊन मध्ये काय प्रॉब्लेम नाही? काहीच नाही, काय नाही ना, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम? तुमच्याकडे खूप पैसे आहे। बेटा अपने जीवन में सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना रितेश जी, तैश में कभी काम मत करना। अच्छा। और जेनेलिया आपने चाय लिया, कॉफी लिया, पानी लिया? ये कैसी बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है यहाँ पे? Wait your respect, पापा, आपने ये रितेश का तेज जो मारा है वो कौन सी गुलजार साहब की लाइन थी? भड़क क्यों रहा है? बात ही ऐसे करते हो। भड़क मत बेटा, कूल डाउन, सांस अंदर खींच और गोभी निकाल। बाबा ये कैसा सीन? ओह गॉड,
जाएगा तो सियासी खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ. मैं सांस अंदर खींचूंगा. वो भी कैसे? बोल बेटा बोल, फास्ट बोल. बोल अब मैं सांस अंदर खींचूंगा तो गोभी कैसे निकलेगी? सांस ही बाहर निकलेगी ना. कैसी बेइज्जती करवा रहा है? थैले में से गोभी निकाल, मैं कह रहा हूँ. हमारी जिनेलिया बेटी को गोभी के पराठे बनाना बहुत पसंद है ना? बाबा निकाल रहा हूँ, ये लीजिए बाबा. पत्ता गोभी के पराठे कौन खाता है? बेटा ये बंद गोभी है, फूल गोभी कहाँ है? बंद गोभी है ये, बंद गोभी है ये. हाँ तो ठीक है बंद गोभी है ये लीजिए. लग गया, फूल हो गई या फूल गोभी? ये घर पे भी ऐसी आइटमें पेश करता रहता है. उस दिन फूल गोभी के सामने ताज के पत्ते लगा के कहता है, ये देखो पत्ता गोभी. थैंक यू बाबा, थैंक यू, नीड योर ब्लेसिंग्स बाबा. आई लव यू बेटा. थैंक यू बाबा, आई लव यू टू बाबा. बाबा अपने तो अपने होते हैं. हाँ तो मुझे क्यों बता रहा है? क्योंकि आप मेरे अपने. अरे छोड़ वो सब, सुन. पहली बार आए हैं, बेटी आई है, वो तो आ चुके हैं. वो तो आ चुके हैं. कुछ तो कुछ देना चाहिए. शगुन होता है, बच्ची आई है. शगुन दीजिए बाबा, कुछ तो दीजिए. बेटा पहली बार हमारे यहाँ घर पे आए हैं, 11 रुपया शगुन. आप दोनों को हमारी तरफ से. थैंक यू. आप इन्हें 11 रुपए दे रहे हैं? अच्छा अच्छा नहीं लगेगा ना? नहीं बाबा. एक काम करो बेटा, 10 दे, 1 रुपया रख एक्स्ट्रा बेटा. एंजॉय योर लाइफ. थैंक यू वेरी मच. एंजॉय. बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए बाबा. 1 रुपया? 1 रुपए से क्या होता है बेटा? 1 रुपए से टॉस होता है. हेड आया तो मैं जीता, टेल आया तू जीता बाबा. लेकिन हमारी तो कोई टीम भी नहीं है, हम टॉस क्यों कर रहे हैं? हमारी नहीं है, इनकी तो है, वीर मराठी. वीर मराठी. हाँ तो एक काम करेंगे बेटा, हम टॉस कर लेंगे, गेम ये लोग खेल लेंगे. ठीक है बाबा, लेकिन ये वाला गेम थोड़ा सावधानी के साथ खेलिएगा, इसमें हमारे पैसे लगे हैं. वाह वाह. और बेटा जी कैसे हो? आप लोग यहाँ आ ही रहे थे तो आते आते मक्के की रोटी, सरसों का साग ले आते, हमारा भोजन हो जाता. बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? आपको इतना भी पता नहीं, ये पंजाबी नहीं है, मराठी है. हाँ तो पाव दी रोटी और मिसल दा साग ले आते हमारे लिए. बाबा मराठी मराठी आप समझ नहीं रहे हैं. मराठी मतलब सर्गस होती सकपक, बाबड़ त्याद विदूषक, कायपण होते रंगे ध्यान, चिकड़े तिकड़े लुटपुर छान, माते ताने केली कमाल, उड़ुबुन दिली भलती समाल. ससा ससा दिस्तो कसा, कापूस पिंजलून ठेवलाई जसा. लान लान डोळे छान, लान चेपूट मोठे कान. पुढे गतिरोधक आहे, नो स्मोकिंग नो पार्किंग, बच्चे तो ही अच्छे. तेरा बाप हूँ मैं. बाप से नहीं जीतेगा. अर्चना देख रही है, मुझे मराठी बोल के गुमराह करने की कोशिश कर रहा था. बाबा आप ये सारी बातें अर्चना जी को क्यों सुनाते हैं? क्योंकि अर्चना से मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है. Like really? Yes. क्या? मुझे आज भी याद है. मेरी पहली लाइन क्या थी? हट. अब नहीं बताऊंगा बाबा. मुझे आज भी याद है जब अर्चना पहली बार मुंबई आई थी. इसके बाद चखने के तक पैसे नहीं थे. इसने चखने के लिए घोड़ों से दोस्ती कर रखी थी. और याद है गर्मियों के मौसम में क्या? 3 साल तक हम दोनों हिमालय पे आते जाते रहे. ओ माय गॉड, फिर क्या हुआ पापा? फिर किसी भले इंसान ने हमें बताया कि बर्फ जो है वो फ्रिज में भी जम जाती है. फिर हम लोगों ने फ्रिज खरीद लिया. वाह है ना इंटेलिजेंट. कमाल है बाबा. हाँ बेटा कैसे हो? बेटा रितेश जी, आपका जो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, मेरे लिए कैंटीन से ड्यूटी फ्री अगर थोड़ा हो जाता. ये क्या कर रहे हैं बाबा? फिर से बोतल मांग रहे हैं? मैं सॉस की बोतल की बात कर रहा हूँ. नहीं बाबा झूठ मत बोलिए, मैंने देख लिया, आप इशारा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इशारा कर रहे हैं.
मैंने इसीलिए बड़ा किया था तुझे कि तू बड़ा होके अपने बाप के इशारे देखे। तू खा के ऐसा चौड़ा हो गया है। Not taking care of your health. ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आजकल खाना बंद ही कर दिया है, मैं सिर्फ दूध पीता हूँ आजकल। हाँ तो सारा दिन दूध ही पीता रहता है, भैंस चूस के बकरी कर दी है इतनी सी इसने। हाँ तो अर्चना जी है ना यहाँ पे, ये बकरी को फुला के फिर से भैंस कर देंगी। प्लीज कोऑपरेट। उसकी आइटमें मत गिना यहाँ पे। उसने सिद्धू को गायब कर दिया, तेरा क्या करेगी वो सोच। हाँ तू अपना वो करके दिखा इनको। अभी यहाँ पे हाँ, ये घर पे बहुत अच्छी आइटम करता है, बहुत मजा आएगा। बाबा सब लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग हैं बाबा। कुछ नहीं होता, दिखाऊं बाबा? हाँ करना बाबा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सिखाया है। कर रहे बेटा, इतने जल्दी कर, इतने बड़े लोग यहाँ शांति से देख। अजूबा 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 अजूबा। बस कर। मैं थक गया बाबा। छा गया तू बेटा, बहुत अच्छे। थैंक यू बाबा, नीड योर ब्लेसिंग्स बाबा। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत अच्छे। थैंक यू बाबा। बाबा मैं भी एक बात कहना चाह रहा था। बोल बेटा। आज पहली बार साथ में आए हैं, हम इन्हें अपने घर पे रोटी के लिए इनवाइट क्यों नहीं करते? वाह कितनी अच्छी बात कही तूने, रोटी पे। मेरा इन्विटेशन है, आप लोग घर पर आइएगा रोटी पे। आते वक्त चार रोटी, चावल, एक ग्रेवी वाली सब्जी और एक तरी वाली सब्जी जरूर लेते आना। ये क्या कहा पापा आपने? ग्रेवी वाली सब्जी और तरी वाली सब्जी सेम होती है, एक ही बात आप दो दो बार क्यों बोल रहे हैं? तूने कदर में अशरफ अली तीन बार कहा, मैंने तुझे कुछ कहा? वाह अशरफ अली अशरफ अली अशरफ, मैंने कुछ कहा? मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, ये बात तू नॉर्मली भी कह सकता था, इतना सरकास्टिकली बोलने की क्या जरूरत थी? इतना बुरा मान गए वो लोग, उनके पता नहीं कौन से किले में से हैंडपंप भी उखाड़ ले आया ये। अच्छा मैं क्या करूं बाबा, क्यों खिलाया आपने मुझे भीगे हुए बादाम? उखाड़ के फेंक दिया आपने सारे बादाम के छिलके और ठूस दिए बादाम मेरे मुंह में। आए दिन मेरे लिए इतने सारे अंडे ले आते हैं मुर्गियों के, ऑमलेट बना बना के मुझे खिलाते रहते हैं। ये 2.5 किलो के हाथ के चक्कर में 250 किलो का हाथ ही बन गया हूं मैं। ठीक है, इतना भड़क क्यों रहा है तू? क्यों यार? भड़कू नहीं तो क्या करूं पापा, बात समझ नहीं रहे हैं। आप रोटी के लिए उन्हें बुला रहे हैं और रोटी उन्हीं से मंगा रहे हैं। What going on? ये सही नहीं है ना? नहीं पापा। बोल पेंसिल। पेंसिल। डिनर कैंसिल। हम लोग आपके घर आएंगे रोटी पे, ठीक है? जी जरूर। आप रोटी बना के खिलाइएगा और जाते जाते एक गाड़ी भी गिफ्ट करनी पड़ेगी। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? रोटी भी वही खिलाएं, गाड़ी भी वही दें, ये कैसा सियासी खेल खेल रहे हैं आप उनके साथ? अरे तो क्या करूं, जब भी इसको गाड़ी देता हूं रास्ते में एक मोड़ आता है, ये वहीं पे गड्डी छोड़ आता है। बेटे सूरज ढलने वाला है। हां बाबा। मेरा बीपी लो हो रहा है। हां बाबा। आप ठीक हैं? नहीं, चल घर चलते हैं, मुझे घबराहट हो रही है। चलिए आप बाबा आज किसके घर जाएंगे? बस बेटे जिसका घर खुला होगा वहीं चले जाएंगे। ये भी ठीक है, चलिए बाबा। एक मिनट। क्या हुआ? हेलो ड्राइवर, बोतल निकालो। बाबा ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहिए। गाड़ी निकालने में इतना मजा नहीं होता है जितना बोतल में होता है, तू नहीं जानता। थैंक यू वेरी मच। Krishna, one of the finest. I wanted to ask you, you know, Riteish and Genelia both, कि अक्सर ऐसे पति और पत्नी में कुछ सालों के बाद या शुरू में ही, you know, एक pet names बढ़ जाते हैं एक दूसरे के. So, what is your pet name for each other? मैं पहले से इनको jeans बुलाता था.
जीन्स जिनेलिया का हाँ शॉर्ट फॉर्म जीन्स और जिंजी 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 सो दोस आर टू थिंग्स सो यू आर रिटी नो सो व्हाट्स माय पेट नेम रीटा आई डोंट नो टेल योर पेट नेम या व्हाट हां आज नेशनल टीवी पे खुलासा कर ही दो यू श्योर नो एज लॉन्ग एज किसी और भाषा में गाली लिए तो नथिंग नथिंग डॉलू डॉलू आई कॉल डॉलू डॉलू प्लीज वेलकम डॉलू देशमुख अब आएगा मजा So, Genelia, ये डॉलो वाला डॉलू है या डॉल वाला डॉलू? डॉल बिकेम डॉलू। अच्छा पर अच्छा है ना पेट नेम वाला भी सिस्टम अच्छा है। हाँ, तो सोचो आप अर्चना जी अगर आप ऐसे ही बुलाएं कि हेलो प्रमीत सेठी वो भी आपको बुलाए हाँ अर्चना पूरन सिंह आधी से ज्यादा जिंदगी तो नाम लेने में निकल जाए अच्छा वैसे रितेश भाई जैसे नॉर्मली होता है कि शादी के बाद बीवियों को बड़ा शौक होता है कि जो मेरा पति पहनेगा मैं सिलेक्ट करूंगी जी तो ये आपकी फिल्मों में भी ऐसा करते हैं कभी स्क्रिप्ट पढ़ती हैं आपकी की सिलेक्ट करते हैं नहीं इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ मैं पहले नरेशन लेता हूँ अगर मुझे आइडिया अच्छा लगा तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ तो मैं वो स्क्रिप्ट जिनेलिया को देता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप ये पढ़ लो और उनके पढ़ने के बाद देन वी फिगर आउट कि उनको क्या लगा बहुत बार ऐसा होता है कि शी सेज नहीं फिल्म अच्छी है आपको कर लेनी चाहिए तो बट एक सेकंड पर्सपेक्टिव इज वेरी गुड नो एंड इट्स इंपॉर्टेंट आल्सो क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा ओपिनियन आपको बहुत जरूरी है जिसका आप ट्रस्ट कर सकते हो जैसे एक विलन की स्क्रिप्ट या जो भी है शी वाज द वन दैट यू शुड डू इट तो पहली बार मैंने विलन का रोल किया था बड़ा कमाल कर दिया थैंक यू इट वाज वेरी और ऐसे कई फिल्में हैं जो इन्होंने बोला मत करो इतने कुछ खास नहीं लग रहे मुझे मैंने जाकर कर लिए और फिर सोचता हूँ कि शायद नहीं कर लेने चाहिए थे और जब भी कोई साउथ की फिल्म जो इन्होंने की है और जब भी हिट हुई है दिस इज अ ग्रेट फिल्म तुमको इसके राइट्स लेकर कर लेनी चाहिए पिक्चर और मैं बोलता नहीं 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 मुझे नहीं कर पता चला सलमान खान ने बनाया रेड्डी बना ली उसकी वरुण धवन ने मैं तेरा हीरो बना लिया ये सब बीवी की बात सुननी चाहिए नहीं और तब मैं इंद्र कुमार के ऑफिस में बिजी था सर ग्रैंड मस्ती कब बना तो ऐसे हीरोइन की सिलेक्शन भी करती है जिनेलिया वो तो चांस देते ही नहीं अब सब थोड़ी सी लगती है अच्छा हमने एक और चीज सुनी है कि जिनेलिया की मेमोरी जो है बहुत शार्प है इनको 10-10 साल पुरानी बात भी याद रहती है नहीं नहीं ये गलत है इनको कभी कभी पिछले जन्म की भी बातें याद रहती है तो फिर इनकी शार्प मेमोरी की वजह से आपको कभी कोई फायदा हुआ है या नुकसान होता है मेमोरी के फायदे किस किस मर्द को होते हैं कभी कभी मुझे समझाना पड़ता है बेबी ये हमारे साथ इस जन्म में नहीं शायद पिछले जन्म में हुआ होगा क्योंकि ये मुझे याद नहीं है बिल्कुल इनको अब तक हमने जो पहली फिल्म की थी तुझे मेरी कसम उसके स्केड्यूल के डेट्स याद है कि 9 नवंबर को शुरू हुई 11 को हम लोग यहाँ थे 3 दिन यहाँ पर मतलब I don't know, but my memory is like something. I'm proud to say that also. तो फिर dialogue भी बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। Yeah. नहीं इसीलिए तो हर language में इन्होंने picture के लिए Telugu कर ली, Tamil कर ली, Kannada कर ली, Malayalam कर ली, Hindi कर ली। भाई वो किस्सा सुनाओ ना वो वाला। Dangler वाला। अच्छा ये हम लोग celebrity cricket league खेलते थे। तो 3-4 season हो गए। और उस league की खासियत ये है कि नो तमिल फिल्म इंडस्ट्री की एक टीम है तेलुगु की एक टीम है कर्नाटक की टीम है मराठी की एक टीम थी एक हिंदी की टीम थी तो हम लोग बैंगलोर में थे और मैं लिफ्ट में जा रहा था तो हालांकि दो एक साउथ की एक टीम थी जहां पर दो लोग बैग्स लेके जा रहे थे और मैं लिफ्ट पे खड़ा था कि मैं जाऊं अभी और दोनों खुशर वगैरह बोले जेनेलिया हस्बैंड तो मैंने बोला क्या सर जेनेलिया हस्बैंड तो मेरा ईगो थोड़ा हर्ट हो गया और मैं बोला कि मैं हियर जेनेलिया हस्बैंड मैं महाराष्ट्र रितेश वाइफ तो वो मुझे क्या बोलता है सर रितेश वाइफ वन स्टेट यू जेनेलिया हस्बैंड इन केरला कर्नाटक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु अब जैसे उसने ये बोला ना मैं बोला लिफ्ट खुल जा जल्दी लिफ्ट खुल जा but the beauty of it is, yeah. I am proud to be known as Genelia's husband. How sweet. So, you know?
I'm proud of you. मित्ते, आज तक ऐसी विद्वानों वाली बातें इन्होंने आज तक नहीं करी थी. ये आप आए हो तो असर हो रहा है, मतलब हमेशा मस्ती मजाक ही किया है. रितेश भाई, इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन के मुझे लग रहा है मैं लड़की होता मैं भी सेट हो जाता आपके साथ. कपिल भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी लड़की बना था खुद के साथ सेट होने के लिए. अच्छा जेनेलिया, आपकी मेमोरी इतनी शार्प है तो आपको तो ये भी याद होगा कि यार हमारी शादी में किसने लिफाफे में कितना शगुन डाला था. तो उनको वापस उनके फंक्शंस में आप उसी हिसाब से डालती है. नो नो, दैट आई डोंट नो. हमारी शादी में लिफाफे आए थे? नो, दैट्स व्हाई यू आर स्टिल वॉशिंग द वेसल. अच्छा, मस्ती फिल्म में अर्चना जी भी थी तो जेनेलिया ओरिजिनली वाइफ बनी हुई थी फिल्म में भी, तो ये डायरेक्टर की चॉइस थी या आपकी खुद की चॉइस थी, क्योंकि आपने सारी स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी? नहीं नहीं, ये मिलाप जवीरी ने एक कास्ट किया था हम दोनों को, मतलब इंदु जी के साथ मिलकर. और स्ट्रेंज बात क्या थी कि हम लोग, मुझे लगता है 2003 की ये बात है और 2002, तो हमारी डेटिंग को 1.5 साल हुए थे और उसमें आप भी सीन में थी जहाँ पर हमारी शादी होती है. तो इट वॉज वेरी अनरियल कि रिलेशनशिप के 1 साल में हम लोग दोनों बैठे और शादी कर रहे हैं. और मुझे तभी हम लोग को लगा था कि वी डोंट नो वेयर द फ्यूचर इज, सो लेट्स एंजॉय दिस एज यू नो. मुझे पता नहीं कि इवेंचुअली आवर रिलेशनशिप कि शायद शादी में कल्मिनेट हो ना हो, पता नहीं, लेकिन वो मोमेंट हमारे लिए बहुत पंडित ने असली मंत्र बोल दिए होंगे तो शायद शादी हो भी गई होगी तब. मैं तो उसको पैसे भी दे दिया था कि बोल दे असली मंत्र. और खास बात यह है कि हम लोगों ने वैन में जाकर वो फोटो भी ली थी. एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे वो फोटो मिल नहीं रही है. आई होप आई गेट इट, क्योंकि वो फोटो और हमारी शादी की फोटो साथ में लगाना चाहूंगा. फेक शादी और रियल शादी की फोटो एक साथ. अच्छा, उस फिल्म में तो आप अपनी सारी कमाई लाके बीवी के हाथ में देते थे जी, तो रियल लाइफ में भी लाके देते हैं या आपको छीनने पड़ते हैं? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? यू नो, एक्चुअली अगर मैं कैलकुलेट करूं कि जेनेलिया ने अपनी जिंदगी में क्या क्या फिल्में की है और मैंने क्या क्या किया जो उन्होंने काम किया एड, एक्चुअली उन्होंने मुझसे ज्यादा कमाया. इसलिए मैं अभी भी इनसे महीने का पगार लेके चला लेता हूं. तो जेनेलिया, अभी आपका फिल्में करने का मन नहीं होता? नहीं नहीं है ना, स्लोली स्लोली आई विल गेट बैक नाउ. आई थिंक when I had children, मुझे लगा कि उनके साथ, you know, I need to give them the right kind of attention and the right kind. Now I feel that they've reached 5 years and they don't want me. They have their friends so often and, you know, they are full day school. So abhi I feel ki slowly I can start doing some work. हमें इंतजार रहेगा जब भी कोई नई फिल्म करे. पर देख लो, उनके दो बच्चे हैं अभी, खुद दोनों बच्चे लगते हैं. You look the same, बिल्कुल जैसे मस्ती में तुम थी वैसे ही लग रही हो. बिल्कुल amazing. हाँ, रितेश क्या खिलाते हो उनको यार? नहीं, अभी वो खुद एक न्यूट्रिशनिस्ट रहते हैं, वो जो खाती है वही मैं खा लेता हूँ. एक कोई चीज बताओ ना जेनेलिया, मुंह मेरे ब्लोटिंग बड़ी होती है. बाहर जाके भी उसके लिए है चीज के सिर्फ पानी पियो. या एक्चुअली सीरियसली, ब्लोटिंग कैसे कम कर सकते हैं? स्लीप ऑन टाइम, डू थिंक? स्लीप ऑन टाइम, स्लीप ऑन टाइम. ये सोता ही 5 बजे सुबह रहे. नहीं, मैं एक्चुअली बच्चे जाग जाते हैं ना, अनायरा जागती है ना, तो उसकी वजह से भी इसके स्लीप. सुबह 4:30 बजे उठ के क्लैपिंग कर रही थी मैं. किस बात की क्लैपिंग कर रही है? सो रितेश's रूल वाज कि नोबडी कैन डिस्टर्ब मी व्हेन आई स्लीप. अच्छा, लेकिन रायल जो है ही गो स्ट्रेट. मुझे ना, जब मैं सो रहा 10 मिनट तो मैं ऐसे सो जाता हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब कट कर क्या हो तो मैं उठ जाता हूँ, तो मैं ऐसे सो जाता हूँ वो. और दिस इज व्हाट रायल डज. तो वो क्या, 1 सेकंड ना, जब नींद में ना आपको पता नहीं होता कि कौन जगा रहा है आपको, तो ऐसे गुस्सा दे कौन है. और इधर बाबा तुमने, हाँ बेटा बताओ क्या कर रहे हो. और आर यू स्लीपिंग? अरे आर यू स्लीपिंग का मतलब क्या होता है? मैं ना, मेरे को शक हो गया एक चीज पे. क्या? मेरे को बड़ी बार मैं सोता ना, जैसे मेरे मुंह पे हाथ मारती नायरा तो मैं उठ जाता हूँ, तो कभी गुस्सा भी नहीं आता कि उस बेबी ने उठाया. एक दो बार जोर जोर से पड़ी मेरे को 2 बार. अब मैं सोचूं
मेरे ऐसे टप करके पड़ा ना, मैं क्या यार 9 महीने का बच्चा इतनी जोर से नहीं मार सकता। उधर देखा तो किन्नी कहती नायरा उठा रही है, पापा उठ जाओ। मैं कहा नायरा का हाथ तो इतना सा है, मेरा तो आंखों तक आया। तो कभी कभी मुझे लगता है बीवियां ये भी फायदा उठा लेती हैं, टप करके उठो पापा आगे बच्चे। क्या बात है रितेश सर, जेनेलिया मैम, सर एक बात करनी है आपसे। ये चंदू जी, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैं सोच ही रहा था कि मैं आपको मिलने आऊँ, अच्छा आप इधर मिल गए। तो ये भी सोच रहे थे कहीं तू आ ना जाए। चंदे की पर्ची काट चल निकल। ये देखो भैया, ये नहीं भी बंदा आया है, पहले उसको चाय पानी पूछो, सीट ऑफर करो, चंदे की पर्ची काट और निकल यहाँ से। कपूर शर्मा, बैड एटिकेट्स। चल आज एटिकेट्स के स्पेलिंग बता। यार तुम्हें कितने एपिसोड लगेंगे अंग्रेजी सीखने के लिए, मुझे ये बताओ। यहाँ मैं इसको अंग्रेजी सिखाऊं या एपिसोड शूट करूं मैं? सोनी साहब, इस कोचिंग के मैंने एक्स्ट्रा पैसे लेने हैं। सोनी तेरे को परफॉर्मेंस के पैसे बड़ी मुश्किल से दे रहा है। करने क्या आया तू यहाँ पे आज? यार मैं इसलिए आया था कि रितेश सर और जेनेलिया मैम पहली बार इकट्ठे यहाँ पर आए हैं। हाँ। तो मैंने अपने ढाबे पे इनके लिए स्पेशल कैंडल लाइट डिनर रखा हुआ है। कैंडल लाइट रखा है। तेरे पास कोई और ऑप्शन है? लाइट तो तेरे आती नहीं। लाइट तो पूरे बॉम्बे में नहीं आती कभी कभी। पॉलिटिकल स्टार। सर ये तो कोई चाय पीने भी आए ना तो उसको भी कैंडल लाइट ही चाय पिलाता है, क्योंकि इसके लाइट है ही नहीं अंदर। हाँ। वो रितेश सर मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि चाय वाले बुरा ना मान जाए कि मैं डिनर वालों के लिए कुछ खास करता हूँ। बिकॉज आई एम नॉट बायस्ड सर। यार तुम 15 दिन लो और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके आओ। इंटरव्यू मैं ले लूंगा। तुम्हें बायस का मतलब नहीं पता? बायस बाय 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 नहीं सुना? इंटरव्यू लेगा तुझे कोई बेस्ट विशेस नहीं देता। तुझे कोई इंटरव्यू क्यों देगा? तेरे को बताया ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिले में, क्या बताऊं। रितेश भाई को तो पता है, उसने सब्जी वाले को बोल रहा था आधा किलो भिंडी दे दो, मैं तुम्हारा शो में कटआउट लगवा दूंगा। ये तो जब अर्चना जी अपनी ब्यूटी सैलून वाली का कटआउट लगाकर फायदा ले सकती हैं, तो मैं क्या सब्जी वाले का कटआउट लगाकर थोड़ा सा भिंडी ले सकता? पैदा होने से लेकर आज तक इसने कोई अच्छी बात नहीं की, बचपन से जानता हूँ मैं इसको। तो सीधा सीधा बताओ ना कि मेरे पैदा होने पे आपके पेट में कोई बात इधर उधर घूम रही है? और मैं बता देता हूँ, जेनेलिया पहली बार आई तो इनको बता देता हूँ, जब ये पैदा हुआ ना पहली बार तो डॉक्टर ऐसी चीजें बोलती रहती है, ऐसी चीजें नहीं हटती, बड़े ढीठ होते हैं ये, अगले जन्म में फिर आ जाएगा देखना। तो ये जब पैदा हुआ तो डॉक्टर जाके कहता है, देखिए इसके पिताजी को कहता है आप हौसला रखिए, हो सकता है धोखे ठीक लगने लगे। सर जब ये पैदा हुआ डॉक्टर ने कहा मेरी बात सुनो, धोने का कोई फायदा नहीं, पानी वेस्ट करोगे ये ऐसा ही रहेगा। पहली बात मैं पैदा हुआ नहीं था, मैं इंपोर्ट करवाया गया था। जब ये पैदा हुआ यार यार क्यों मेरे पैदा होने के पीछे पड़े हो? अच्छा हुआ दाई ये नहीं थी, नहीं तो इसने करा चलो ऐसे नहीं चाहिए। ऐसे भाई मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज, मेरे को पैदा करना छोड़ो, वो इधर मेरे पैदा होने के किस्से कहानी नहीं सुनने के लिए आए। अच्छा ऐसे दोस्त का ना फायदा बड़ा होता है जिनलिए, जैसे आप किसी होटल में चले जाओ ना तो वैले पार्किंग वाले नहीं आते, उनको पता साथ ही लाया। तो ये बड़ा फायदा है। और जब जाओगे टांगे पर तो वैले वाला घोड़ा थोड़ी पार करने के लिए आएगा। तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी, आराम से बात कर लो कि ऐसे ऐसे हुआ था और टांगे पे गए थे, वैले वाला नहीं आया। फिर मान गए ना तुम टांगे पे गए थे। खैर रितेश सर आप मेरे ढाबे पे आइए जी, उधर मेरे ढाबे पे स्पेशल 10 तरह की थाली मैंने रखी हुई है। बिल्कुल, एक तो बीवी की नाइटी काट के बनियान पहन के आ गया ये। शर्म नहीं आती ऐसे काम करता ना? आपको पता है ये इसको तो कोई घर नहीं बुलाता है, जैसे मान लो आपके घर आया, आते हुए नमस्ते करेगा, जाते हुए नहीं बताता किसी को, जाते चुपचाप निकल जाता है, अगर नमस्ते करेगा तो प्लेट नहीं निकलेगी। तो ऐसे काम करता रहता है। तू देख तेरे ढाबे पे वो नहीं आएंगे, वो इतना प्यारा कपल है, साफ सुथरी जगह पे जाते, तेरे ढाबे पे क्यों जाएंगे? सर प्लानिंग मेरी भी होटल की है, एक्चुअली थोड़ा सा अरेंजमेंट मेरे से हो नहीं पा रहा, तो अगर आप मेरे को समंदर किनारे 5-6 पत्थर दिला रहे हैं, तो पत्थर जोड़ जोड़ कर मैंने रेस्टोरेंट खोल लेना अपना सर। तो जमीन कौन देगा? यार तुम भी कुछ दोगे, सारा कुछ उन्होंने देना है। खैर रितेश सर जी मुझे एक बात बताइए कि वो जो आपने सीसीएल में क्रिकेट खेला था ना, काफी एक्सपीरियंस है आपको, तो उसमें जो कोल्ड ड्रिंक वाले जो
फ्रिज आता है उसमें अगर कोल्ड ड्रिंक पी लो तो पैसे देने पड़ते हैं या फ्री होता है वो? दे लो, होटल से शुरू हुआ था, कोल्ड ड्रिंक पे आ गया ये। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि क्योंकि कल को मैंने भी अपनी टीम खरीदनी है वहाँ पे, इन्स एंड आउट्स का पता होना चाहिए। टीम खरीदनी? जीन तेरे से आज तक खरीदी नहीं गई, टीम खरीदेगा। इसने भाई जानबूझ के ना सेम कमर वाले दोस्त बनाए हुए हैं। अच्छा, क्यों? हाँ, जितनी इसकी कमर है उतनी बाकियों की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कपड़े आ जाते हैं ना, अगर किसी की दो इंच कमर बढ़ जाए दोस्ती तोड़ देता करता, तू तो बदल गया। ऐसी कोई बात नहीं सर, ऐसे तो वो पांडे नहीं है मोटा खड़ा ना यार, ये रहा, ये देखो कमर नहीं कमरा है इसका, फिर भी मेरा दोस्त है ये। हाँ, वो तो इसलिए दोस्त, वो साथ में बेल्ट भी देता है अपनी पैंट के साथ तुझे। क्या सर, मेरे को ये बताइए कि जो मैच के इंटरवल में भाग के लड़का पानी पिलाने आता है, वो भी जितनी चाहे कोल्ड ड्रिंक पी सकता है? हाँ, तो तो सर मैं ये कह रहा था कि अगर आप मेरे को वो जॉब दिला रहे हैं तो फिर सर मजा आ जाए, मैंने एनआरआई बन जाना फिर। पानी पिला के एनआरआई कैसे बन जाएगा? मतलब सर मैंने सुना है कि उधर ना विदेशी चीयर लीडर्स भी होती हैं, तो पानी पिलाते पिलाते एक का तो मैंने सेट कर लेनी है। ओह गॉड, तो अगर वो सेट होगी तो फिर विदेश में मैं सेट, मैं एनआरआई पक्का। भाई आप मुंबई में पले बड़े हो ना जी, आपको तो चप्पे चप्पे की नॉलेज है जी। कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे बंदे को रख के पीटे बाहर आवाज ना आए। अब नहीं देख लो, मैं एनआरआई बना नहीं, लेकिन जलने की कितनी बदबू आनी शुरू होगी ना। जलने की बदबू नहीं आई, तेरे बनियान से आ रही है। यहाँ इसने बात नहीं होने देने जी, बाहर इन्होंने तेरे से मिलना नहीं। कहाँ पे करेगा फिर बात बता। आप प्लीज वैनिटी में आइए सर, मैं आपके लिए डिनर लगवाता हूँ जी, फर्स्ट क्लास। हम डिनर करते हैं और जो बिजनेस की बात है वही कर लेते हैं। बिल्कुल, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। भाई कुछ सवाल हैं, जब सबको पता चला कि आप दोनों पहली बार हमारे शो पे आए हैं तो वो कुछ आपके फैंस के सवाल हैं जो पूछना चाहते हैं जी, कि ऐसे कौन करता है? Okay, हम दोनों में। हाँ, हम दोनों में से। बाथरूम में फोन लेके कौन जाता है और उस पे इतना सारा टाइम कौन स्पेंड करता है? रितेश। मुझे पता था। अच्छा, कोई कीमती सामान टूट जाए उसका इल्जाम किसी और पे कौन लगाता है? ओहो, बच्चे तोड़ गए। नहीं, दोनों में से कोई भी। ये हाँ, ये हम जैसों का सवाल है, तो अमीर लोग है, इनके थोड़ी होता है। टूट भी गया क्या हुआ बेबी, फिर क्या हुआ? 4 लाख का ही तो था। अरे तो एक दूसरे के बाल नोचते क्या, 10 रुपए का गिलास तोड़ दिया। 4 लाख। अच्छा, बच्चे ज्यादा शरारती हैं या रितेश? बच्चे नहीं, बच्चे। क्या है कि मैं शरारती था, मेरी शरारत की वजह से हमें बच्चे हुए। और अब बच्चे शरारती है, अब बच्चे शरारती है। प्रैंक करने की आदत किसकी है? प्रैंक ऐसे घर में तो प्रैंक नहीं किया कभी। अप्रैल फूल्स डे क्या किया था? You forgot? What? When you called me and you said... Actually, अभी याद है मुझे, अप्रैल फूल्स डे में मैंने इनको फोन लगाया, मैंने कहा कि यू नो जिनेलिया, आई जस्ट हैव टू टेल यू दैट ये हमारी रिलेशनशिप है, ये आई थिंक वी शुड कॉल इट ऑफ। तो शी सेड व्हाट इज दिस, नो आईडिया। ही सेंट मी एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग एंड आई वाज शूटिंग, सो आई सॉ इट एट 7 o'clock। I put off my phone after that. He's trying to call me. और सुबह उठा, as usual भूल गया मैं। Oh God. हाँ क्या हुआ? He said, what have you sent me? What does that mean? He said, क्या भेजा मैंने? ये message, I mean, but what's the reason कि ये relationship हम लोग क्यों तोड़ रहे हो या why are we separating? तुम्हें कौन सा message? मैंने देखा, अरे ये आज तारीख क्या है? The first. अरे अप्रैल फूल का message था जो मैंने कल रात को भेजा था। तो उसके बाद से मैंने कभी प्रैंक नहीं किया, बट नोक झोंक होने के बाद सॉरी कौन बोलता है? आप, बात खत्म। अच्छा, कुछ अफवाहें उड़ती हैं फिल्म स्टार्स को लेके, तो ये कुछ अफवाहें हैं? यहाँ की अफवाहें मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में इतनी क्रिएटिव अफवाहें नहीं होती जो यहाँ पर होती है। भाई अभी आपने बोल रहे प्रेशर डाल दिया, अब मैं पढ़ रहा हूँ पहले की ठीक ही है। अच्छा नहीं, बोलते बोलते बना लो फर्क। अब तो रितेश और जेनेलिया की शादी जो है वो महाराष्ट्रीय तरीके से मनाएगी, फिर क्रिश्चियन वेडिंग भी करी इन्होंने। तो अफवाह ये कि आपने 2 बार शादी इसलिए की क्योंकि पहली शादी में आपको गिफ्ट कम मिले थे। ये बिल्कुल सही है, तो गिफ्ट के लिए मैंने एक कार भी मंगा ली थी, मैंने एक ट्रक मंगाया था लेकिन भरा नहीं। रितेश, अफवाह ये है
कि आपने फिल्मों में लड़कियों के रोल बड़े किए हैं, ये अफवाह नहीं है, ये तो सच है कि बहुत बार ऐसे किरदार किए हैं। अफवाह ये कि आप जेनेलिया के कपड़ों की शॉपिंग अपनी चॉइस से करवाते हैं ताकि जरूरत पड़ने पे आप भी पहन सके। एक और अफवाह बड़ी मजेदार है, वाह। क्या जेनेलिया? अफवाह ये है कि रितेश आपसे थोड़ा डरते हैं क्योंकि आप हाथ से ज्यादा लात चला सकती हैं क्योंकि आप नेशनल लेवल की फुटबॉल प्लेयर रह चुकी हैं। नहीं, दिस इज ट्रू। वाओ, इसमें हमारी अफवाहें सच्ची भी होती हैं। इसमें दो सच्चाई हैं जी। आपने जो सवाल पूछा कि रितेश आपसे थोड़ा सा डरते हैं, वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा। ओके, और इनकी लात मैंने बहुत खाई है। कब? नहीं, क्योंकि क्या है, द फर्स्ट थिंग इफ यू टिकल हर द फर्स्ट रिएक्शन तो बेबी कट। जेनेलिया, आपके बारे में ये फायदा कि आप वीडियोस बनाने के चक्कर में रितेश से घर के काम करवा लेती हैं और ये व्यूज और लाइक्स के चक्कर में कुछ कुछ सारे काम कर भी देते हैं। इसी के साथ ही अफवाहें समाप्त होती हैं। धन्यवाद। रितेश, वेलकम बैक। वेलकम बैक। हाय जेनेलिया, तुमचा इधर स्वागत छी। कड़ी चावल, मेरी बात सुन। ये तेरी मराठी थी? तू तो बोलती मराठी, मेरे को बड़ी अच्छी आती। ऐसा लगता मराठी इसकी अहमदाबाद होके आई है। वो नहीं आती थी कपूर, लेकिन क्या है ना, गेस्ट को देख के ना एक्साइटमेंट में वो थोड़ा सा टंग ऑफ स्लिप हो गया। हाँ, टंग ऑफ स्लिप, वो इसीलिए। अच्छा, वैसे कितना प्यारा कपल है, आप पहली बार हमारे शो पे आए हो। मैंने ना आपके बच्चों के पिक्चर्स देखे सोशल मीडिया पे, वो भी कितने प्यारे हैं, दे आर सो क्यूट। थैंक यू। अगली बात भी बोलना क्या? कि भगवान उनको हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, लाओ 100 रुपए, ऐसा वाला भी तो बोल। ये मेरे को सब पता है क्या करने आती है ये। सारे आते तेरे माहौल सैड हो गया, इतना मजा आ रहा था बातें करके। हाँ, तो हुस्न के आते ही अक्सर लोगों के चेहरे का रंग उतर जाता है। चलो भाई, सैनिटाइज कर लो थोड़ा थोड़ा, बात गलत बोल दी। हुस्न के आते ही। अर्चना मैम, आप बताइए, मेरी जब एंट्री होती है आपको खुशी कितनी होती है? बहुत खुशी है भाई, इनकी आपस में डील है। जी, तू जो भी बोलेगी मैं खुश रहूंगी। मैंने बोला भी अर्चना जी को, मैं कहा अर्चना जी, अच्छी बात थोड़ी है, बोलती अगर लोग 500 रुपया लेके न्यूज देख सकते हैं तो मैं इसको तो देख ही सकती हूँ। कपूर, एक मिनट, भूरी को ना टीआरपी के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये भी कही थी पता कुछ लोगों के पास, कहते ये लो 500, मेरी एंट्री देख के बंद कर दिया करो। उसने आगे से 1000 दिया, कहते तू आया मत कर। ये हुआ जा यार भूरी। देखो कपू, आज ना सोनी साहब ने मुझे खास भेजा है ये बोल के कि आज जा तू शो संभाल भूरी। तू संभालेगी? तू शाम को इसको संभालने के लिए 4 लोग लगते हैं। देखो शर्मा जी, आज पहली बार ये लोग आए हैं, कुछ तो हटके होना चाहिए ना शो में। तू हटके कर कुछ, तू पता क्या कर, 2000 किलोमीटर हटके दिल्ली खड़ी हो जा, तो फिर शो अच्छा जाएगा। पिछली बार भाई नोरा फतेही आई जी, उसके बाहर ड्राइवर को नाच के दिखा रही, कहती हुक नहीं मैं नोरा फतेही से बैठ। उसने गाड़ी में बिठाया, गुजरात बॉर्डर पे छोड़ के आया उसको फिर वो। सर, मैं ना गुजरात गई थी इवेंट के लिए जी। इवेंट भाई, एक बात बताओ, आग वाले गोले में से कूदना इवेंट होता है? सर्कस होती है, झूठ बोलती है। इससे आप बातें बनवा लो, मैं आपको बताती हूँ, मैं कुछ स्पेशल मैं आज आप दोनों के साथ करना चाहती थी। मैं आपका स्वागत मराठी तरीके से करना चाहती हूँ, तो मैं आप दोनों के साथ उखाना करना चाहती हूँ। उखाना? अरे बाप रे, तुझे पता है मराठी की क्या रस्में होती हैं, महाराष्ट्र में क्या क्या मनाते हैं लोग, पता तुझे? हाँ, थोड़ा बहुत पता है, मी मराठी मुलगी आहे, मुलगी शिकली प्रगती झाली। तुम सुनना, मैं आपके लिए उखाना बोलती हूँ, फिर उसके बाद आपको भी करना है एक दूसरे के। नहीं, अरे कुत्ते आता, लक्ष्य देना रुक खाना। ओके, डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बे पे केक, रितेश जेनेलिया की जोड़ी लाखों में एक। ये तो नए साल पे हर व्हाट्सएप पे आता है ये मैसेज, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक। अब रितेश और जेनेलिया, आप एक दूसरे के लिए खाना बोलो। डब्बे और डब्बा, डब्बे और डब्बा, डब्बेत केक, रितेश आणि जिनलेची जोडी लाखांमध्ये एक। ओहो, ही इज सो स्मार्ट।
Genelia. I love you, Riteish. Wow, rhyming to judi rahe. Lakho mein ek, I love you, Riteish. Tu kahan aa gayi hai, badal ke bhesh? Dappu! Kita asanik, tum bhi try karo. Arz kiya hai. Arz kiya. Ki muskurahatein aayen chehre par. Kya baat? Muskurahatein aayen chehre par. To mushkilein khud chal padti hain. Muskurahatein aayen chehre par. To mushkilein khud chal padti hain. ये फ्री की लिफ्ट के लिए ऑटो वाले का मसाला भी मल देती है। ज़्यादा ख़राब होगा। क्या बात? मेरी भी सुनो। हाँ। दिल की बात तो सिर्फ दिलबर जानेगा। अच्छा। दिल की बात तो सिर्फ दिलबर जानेगा। जिसने आज तक लड़कों को लड़की बनाया है, वो असली ग्लैमर क्या पहचानेगा? देखो बता वो नकली लड़की बन बन के भी ना तेरे से अच्छे लगने लगे। एक और सुन तेरे लिए आया है कि पानी की धारा पहाड़ों से बहती है। क्या वाह वाह। पानी की धारा पहाड़ों से बहती है, ये नहीं नहाती इसकी मम्मी कहती रहती है। ये क्या था कप्पू? क्या ये शेर था तुम्हारी खूबसूरती के लिए? ये ना एक्चुअली ना ये ना खुद मुझसे बात करता है ना आपसे बात करनी देगा, तो मैं जाती हूँ, लेकिन मैं आपसे ना बाहर मिलूंगी एंड वी विल मीट फॉर अ कप ऑफ कॉफी। या लवली, थैंक यू। है ना, वीगन कॉफी। डन, थैंक यू, बाय। एक बार जोरदार तालियां रितेश भाई और जेनेलिया के लिए। आइए रितेश भाई, जेनेलिया प्लीज कम। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद रितेश भाई। थैंक यू जेनेलिया, आई होप यू एंजॉयड। आई हैड अ ग्रेट टाइम, थैंक यू। और अगली बार हम हो सकता है रितेश भाई से बिना ही आपको फोन कर ले कि आप प्लीज आया करो। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इतनी बार यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन कपिल शर्मा शो का एक जो स्थान है, जो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे घरों में, हमारे वक्त में, ये हमारा हफ्ता पूरा नहीं होता जब तक हम आपको। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। और ऐसा कई बार होता है कि हम लाइव टीवी ना देख पाए, पर सोने से पहले या कभी गाड़ी में हो तो आपके शो, आपके एपिसोड्स अलग अलग जो मिस हो चुके हैं वो हम देखते रहते हैं। और मैं सबसे मुबारकबाद इस शो के राइटर्स को देना चाहता हूँ। बिल्कुल, यू गाइज आर एक्स्ट्रॉर्डनरी। क्योंकि मैं काफ़ी सारी कॉमेडी फिल्में कर चुका हूँ, मुझे लगता है ह्यूमर एक्टर्स के लिए और आसान हो जाता है जब राइटिंग स्ट्रॉन्ग हो। और हैट्स ऑफ टू यू गाइस, वेल डन, सुपर्ब गाइस। सो दोस्तों, आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। गुड नाइट, शब खैर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.